यस, गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा फोर चल रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये लगभग ख़त्म होने वाला है, तो कुछ चीज़ें रह गई थी इसकी जो हमने नहीं पढ़ी। तो एक बार मैं जो है इसको बता देता हूँ। हम पहुँच गए थे यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पर, कि वर्ल्ड वाइड वेब का अपने डेली लाइफ में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट का क्या क्या यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे काम हमारे आज के समय में इंटरनेट से ही हो रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारा इंटरनेट आज के समय में। तो दिया क्या है, देखिए, यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, हेडिंग है, पेज नंबर हमारा 35 दिया है, पेज नंबर 35। सभी बच्चे ओपन कर लेंगे बुक को, पेज नंबर जो 35 है। पढ़ते दिया है यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो द इंटरनेट हैज बिकम ए पार्ट एंड पार्शियल्स ऑफ आवर लाइफ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और पार्शियल बन गया है हमारी लाइफ का। दे आर बिलियंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब हेल्प टू एक्सप्लोर इट। तो एक मिलियंस, करोड़ों से भी ज़्यादा एप्लीकेशन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, और जो वर्ल्ड वाइड की हेल्प से एक्सप्लोर होती है, चलती है इट एंड डू मैनी एक्टिविटीज ऑनलाइन, और जिसके थ्रू हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन कर पाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी सम ऑफ द बेसिक यूजेज ऑफ द वेब। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक यूज वेब के, इंटरनेट के। सबसे पहले दिया है ई कॉमर्स। अब देखिए भाई, ई कॉमर्स क्या होता है? बिजनेस, जैसे आप फ्लिपकार्ट, पेटीएम, है ना, अमेजोन, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है, ई बिजनेस का ही पार्ट है। हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, वो सब क्या है, ई कॉमर्स में ही। ई कॉमर्स में आता है हमारा। तो चलिए, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज ऑनलाइन ट्रेडिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस को ट्रेड करना, चलाना, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का एक्सचेंज करना ऑनलाइन। जैसे हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दे देते हैं, फ्लिपकार्ट वाले हमारे घर पर ही सामान भेज देते हैं, पे कर देते हैं पेटीएम से या फिर कार्ड से पे कर देते हैं। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स का पार्ट है, जो हमें ऑनलाइन सर्विसेज देता है एंड इंफॉर्मेशन। ई कॉमर्स अलाउ कंज्यूमर टू इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज गुड। तो ई कॉमर्स आपको अलाउ करता है कंज्यूमर्स को कोई इलेक्ट्रॉनिकल, यानी कि ऑनलाइन वो सामान को परचेज कर सके, खरीद सके, प्रोडक्ट को खरीद सके। देर आर द सर्वल वेबसाइट्स ऑन द वेब वेयर यू कैन व्यू एंड सेल प्रोडक्ट। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपने आप जो प्रोडक्ट है आप अपने सेल कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, ऑनलाइन सेलिंग की, तो इससे फ्लिपकार्ट है आपका, अमेजोन है, और ओलेंस है। तो ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप सेल कर सकते हैं, जो आप चाहे वो कर सकते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, वेयर यू कैन व्यू बाय एंड सेल प्रोडक्ट, आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दीज प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ए पेन टू ए लैपटॉप। ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे एक पेन है लिखने वाला या फिर एक लैपटॉप है। और प्रोफेशनल सॉल्यूशंस और सर्विसेज, इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज है जो हमें ये देते हैं। यू कैन पे योर यूटिलिटी बिल्स, आप अपना बिल पे कर सकते हैं, कैसे, लाइक मोबाइल से पे कर सकते हैं, लैंडलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली, ईटीसी, ऑनलाइन, कैसे भी, बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे मीडियम हैं जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स की हेल्प से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है हमें, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिल भरने के लिए पहले क्या करते थे, ऑफिस में जाना होता था उसके, अब क्या है, अपना बिल घर से ही भर सकते हैं, किससे, मोबाइल से, अपने मोबाइल से
हम अपना बिल घर से ही भर सकते हैं। जैसे अभी ये क्रिटिकल कंडीशन चल रही है कोरोना की, हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ सामान चाहिए तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कहीं पर जाना। एनी बॉडी कैन एडवर्टाइज देयर बिजनेस बाई पोस्टिंग द बिजनेस सर्विस। अगर कोई अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता है, एडवर्टाइज करना चाहता है, बिजनेस को फैलाना चाहता है, भाई मेरा एक बिजनेस है, मेरी ये कंपनी, तो आप ई कॉमर्स की हेल्प से उसे कर सकते हैं। हावर्स लोकेशंस, उसे आप उसके हावर्स दे सकते हैं, लोकेशंस कहाँ पर है, फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। यू कैन सेल एंड बाय द प्रोडक्ट बाय यूजिंग मनी टर्म्स ऑफ पे ऑर्डर। आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं यूजिंग मनी इन द टर्म्स ऑफ पे ऑर्डर्स, पे ऑर्डर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ETC फॉर एग्जाम्पल टू व्यू ए मूवी टिकट ऑनलाइन, अगर आपको कोई मूवी टिकट बाय करना है, खरीदना है, परचेज करना है ऑनलाइन, यू मी लॉग इन टू द अकाउंट्स एंड सेलेक्ट द अवेलेबल ऑप्शन। आफ्टर डूइंग सो यू सबमिट यूर फॉर्म ऑनलाइन विड यू रिक्वायर योर पेमेंट मोड एंड डिटेल्स। तो आप ऑनलाइन अपनी किसी भी मूवी के टिकट खरीद सकते हैं, किसकी हेल्प से, ई कॉमर्स। तो इंटरनेट की बहुत बड़ी सर्विस है आज के समय में, एक्सक्यूज मी। ई कॉमर्स की हेल्प से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, घर बैठे अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ही अपना बिजनेस आप चला सकते हैं। तो ये सब क्या है, ऑनलाइन ई कॉमर्स की हेल्प से होता है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं वो ई कॉमर्स में आप कर सकते हो। एक होता है एम कॉमर्स, ये है भाई मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल कॉमर्स, ई कॉमर्स, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा ऑनलाइन, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, फिर कोई कोर्स परचेज कर लेते हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, फिलहाल हम भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये भी एक इंटरनेट का ही पार्ट है। तो एजुकेशन में ही इंटरनेट के थ्रू आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप गूगल से ढूंढ सकते हैं। जैसे दिया है वर्ल्ड वाइड वेब प्ले मेजर रोल इन एजुकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब का एजुकेशन में भी बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंटरनेट, खासकर आज के समय में जो आज का युग चल रहा है, आज के समय का जो टाइम है, फिलहाल की जो कंडीशन है, इस हिसाब से इंटरनेट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्यू बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्स प्रजेंट ऑन द वेब आर, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जैसे ऑनलाइन टोरिटल वेब पब्लिकेशन है, ऑनलाइन फॉर्मेट्स है, इजी नेविगेशन फ्रॉम सोर्सेज टू सोर्सेज, आसान नेविगेशन हैं, यानी कि यूट्यूब्स हैं, गूगल्स हैं, जो किस चीज़ की जानकारी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। एजुकेशन दीज डेज हैज़ बीन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एनी फैमिली और इंडिविजुअल पर्सन, एजुकेशन आज के समय में किसी भी फैमिली की सबसे ऊपर की प्रायोरिटी होती है, सभी चाहते हैं कि हम शिक्षित हो, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये सबसे अहम बात है, हर कोई चाहता है कि हम शिक्षित हो। एंड नो डाउट अमोंग्स द लास्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट एंड मेंटेन द एजुकेशन स्टैंडर्ड, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, और हम लोग को पढ़ा।
सॉरी स्टूडेंट्स। तो चलिए क्या कहा है इसने, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी प्रयोग है इसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारी एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया है, बहुत ज़्यादा उसको हेल्प भी मिली है, स्टैंडर्ड मिला है, एक अलग ही लेवल मिलता है। द इंटरनेट बिकम फर्स्ट, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट सबसे पहले आता है। इंटरनेट इज नॉट ए एक्सेस द वेबसाइट बट इज ऑल्सो दिस डेज देयर इज द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन एवरी एक्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट इज नॉट ओनली एक्सेस टू वेबसाइट, इंटरनेट ये नहीं कि वेबसाइट से जुड़ा है, केवल वेबसाइट से ही जुड़ा नहीं है। ऑल्सो दीज डेज, आज के समय में देयर इज नॉलेज, ज्ञान एंड इंफॉर्मेशन, सूचना, एवरी एक्सेप्ट, किसी भी एजुकेशन फील्ड की आपको नॉलेज अगर चाहिए तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट, किसी भी चीज़ की आपको संसार में जानकारी चाहिए तो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगी। द रिसोर्स प्रोवाइड ऑफ वेरियस वेब पेज आर इंडेडेड वेरी इंफॉर्मेशन एंड यूजफुल, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है इंटरनेट जिसकी हेल्प से आप अपनी एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यूजफुल फॉर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स रिलेटेड एवरी फील्ड ऑफ वर्क, चाहे प्रोफेसर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ये एवरी फील्ड, सभी फील्ड में वर्क करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट हैज आल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ऑनलाइन, इंटरनेट आपको ऑनलाइन स्टडी की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है, ये फैसिलिटी भी इंटरनेट आपको देता है। दे आर द वर्चुअल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज सेटअप इन विच स्टूडेंट्स कैन टेक क्लासेज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर सीट ओपनिंग एट द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज वेबसाइट वीडियो सेक्शन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड दे स्टडी एट होम इट इज बर्न टू द स्टूडेंट्स। बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे स्कूल और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं लेकिन क्लास में नहीं जाते हैं, घर से पढ़ना चाहते हैं, तो वो इंटरनेट के थ्रू आसानी से घर बैठे ही यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी इंटरनेट का मेजर रोल है। आज के समय को देखते हुए, जिस तरह की क्रिटिकल कंडीशन आज के समय में चल रही है, तो आज के समय को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है इंटरनेट हमारी लाइफ। नेक्स्ट क्या दिया है, एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट की बात क्या बताएं आपको, एंटरटेनमेंट तो चाहे गेमिंग हो, चाहे आपकी वीडियोस हो, कार्टून्स हो, या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग इमेज हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग मूवी हो, तो आप इंटरनेट की हेल्प से आसानी से उसे देख पाते हो। कैसे, क्या कहा है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वाइड वेब होस्टेड मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑफर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट्स फॉर इंटरनेट। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है जो आपको ऑफरिंग करती है, ऑफर देती है कि आप किसी भी टाइप का एंटरटेनमेंट उस पर कर सकते हैं इंटरनेट पर, चाहे गेम खेलना हो, मूवी देखना हो, गाने सुनने हो आपको, है ना, कोई भी क्रिकेट मैच देखना हो, फुटबॉल मैच देखना हो, प्रीवियस ईयर का देखना हो, सब कुछ आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपको मिल जाता है इंटरनेट पर। यू कैन डाउनलोड सॉन्ग्स, आप इंटरनेट से सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज ETC फ्रॉम द वेब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप वेबसाइट्स पर कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्शन इवेंट और एक्टिविटी दैट एम्स टू एंटरटेनमेंट अमोंगस्ट द इंटरेस्ट एंड ऑडियंस ऑफ वन मोर पीपल्स, एक से ज़्यादा, यानी कि एक ही व्यक्ति देख सकते, बहुत सारे लोग एक चीज़ को एक साथ देख सकते हैं, एक साथ ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरा जो फ्रेंड है वो मुंबई रहता है, अगर हमें एक दूसरे के साथ गेम खेलना है तो हम ऑनलाइन हमें एक दूसरे के साथ इतनी दूर से भी खेल सकते हैं। ईमेल ब्लॉग्स, आप ईमेल कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सम पीपल्स
Often the personal blog or update friends of their lives and any social networking site keep track of the communicate with friends. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो अपने खुद के ब्लॉग बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स की इमेजेस, उनकी लाइफ को शेयर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट्स होते हैं. तो एंटरटेनमेंट भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरनेट का. इंटरनेट के की हेल्प से आप एंटरटेनमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर. तो ये हो गया हमारा फिनिश. तो जो हमारे टूल्स थे इसके, वैसे तो और भी बहुत सारे यूजेज हैं इंटरनेट के, अनगिनत यूजेज हैं जिन्हें एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकता. बहुत सारे यूजेज हैं. ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया. तो ये सारी चीज़ें थी. एक बार मैं चाहूँगा कि मैं इस चैप्टर को शुरू से रिवाइज करा, ठीक है, थोड़ा जल्दी में ही करा देते हैं, कोई बात नहीं. तो शुरू से इसको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं. तो चलिए देखिए कहाँ गया है, ध्यान से देखिए. सबसे पहले चैप्टर का नाम दिया था वर्ल्ड वाइड वेब. इसका मीनिंग है इंटरनेट, कि आप इंटरनेट का कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट होता क्या है. तो इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें बिलियन से भी ज़्यादा, 4 बिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ग्लोबल इंफॉर्मेशन यानी कि वर्ल्ड की सारी जानकारी इस पर आप शेयर कर सकते हैं, सारी जानकारी इस पर आप ले सकते हैं, जो बिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर इससे कनेक्ट है. तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वेब के, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किसी वेबसाइट्स के साथ लगता है जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है. FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मोस्टली इस प्रोटोकॉल का तभी यूज किया जाता है जब हम किसी वेबसाइट्स को बनाते हैं, किसी भी संस्था के लिए कोई अपनी साइट्स बनाता है, तो तब हम अपने फाइल को, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो तब हम FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. उसके बाद यह है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है. मेल जैसे हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, मेल रिसीव कर रहे हैं, उस पर डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. इंटरनेट पर जो भी हम चीज़ें भेजते हैं उसको कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे उसको कंट्रोल करके भेजा जाता है, वो इस प्रोटोकॉल का काम है. कुछ दिया है कंपोनेंट्स ऑफ द वेब. वेब के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका वेब क्लाइंट्स. वेब क्लाइंट में क्या हो जाता है, हम लोग हो जाते हैं यूजर्स, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल और हमारा PC, ये सब क्या है, वेब क्लाइंट्स हैं, इंटरनेट के क्लाइंट्स हैं. वेब सर्वर्स, ऐसे कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर में आपका मॉडेम आ जाएगा, केबल आ जाएगा, वायरलेस मॉडेम आ जाएगा. सॉफ्टवेयर में आपका गूगल क्रोम वगैरह, ये सब क्या है, ये है हमारे वेब सर्वर. उसके बाद यह है वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र भी सॉफ्टवेयर में आता है हमारा. और फिर आता है हमारा ISP, सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. कुछ ऐसी कंपनियाँ जो अपने कस्टमर को इंटरनेट से एक्सेस कराती है, इंटरनेट की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराती है. वेब वर्क कैसे करता है ये मैंने आपको बता दिया है, वेब होस्टिंग आपको बता दें. तो डियर स्टूडेंट, बस इस चैप्टर में इतना ही. अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो पर्सनली फ़ोन करके भी मुझे पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, बता दीजिए, तो मैं उसको बता दूँगा. तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू. ठीक है सर.